हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बीच काफी आत्मीय संबंध रहा है। विनोद खन्ना अभिनेता धर्मेंद्र को अपना बड़ा भाई मानते थे। यहां तक कहा जाता है कि विनोद खन्ना एक्टर धर्मेंद्र की किसी बात को मना नहीं करते थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया और ये संबंध और गहरा होता गया। लेकिन एक बार दोनों के बीच लड़ाई हो गई। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर विनोद खन्ना को धक्का तक दे दिया था। आखिर क्या था ये मामला, आज आप जानेंगे। उससे पहले इन दोनों एक्टर्स के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये उस वक्त की बात है जब धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। बताया जाता है कि अभिनेता धर्मेंद्र ने एक शाम विनोद खन्ना को अपने साथ बैठने के लिए बुलाया था, पर विनोद खन्ना ने आने से इनकार कर दिया। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त विनोद खन्ना अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ व्यस्त थे। उन दिनों अभिनेत्री अमृता सिंह और विनोद खन्ना के अफेयर की खबरें काफी चर्चाओं में थी। धर्मेंद्र के बारे में मशहूर है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें महफिल सजाने का शौक था, और वो कैसी महफिल थी आप सब जानते हैं। अक्सर फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ महफिल जमा लेते थे। अमृता सिंह के करीब आने की वजह से विनोद खन्ना उनकी महफिलों में शामिल नहीं हो पाते थे। धर्मेंद्र को विनोद खन्ना का इस तरह उनकी महफिल से कटना पसंद नहीं आया, जिसके कारण एक बार धर्मेंद्र अभिनेता विनोद खन्ना पर काफी गुस्सा हो गए। गुस्से में धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस अमृता सिंह को काफी भला बुरा भी कह दिया। कहा यह भी जाता है कि धर्मेंद्र उस वक्त नशे में थे, पर जब सुबह भी धर्मेंद्र नहीं माने और उन्होंने फिर से अमृता के लिए भला बुरा कहा तो विनोद खन्ना को भी गुस्सा आ गया। अमृता सिंह के लिए विनोद खन्ना अपने करीबी दोस्त धर्मेंद्र से लड़ गए। कहा जाता है कि दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर विनोद को धक्का दे दिया। वहीं विनोद खन्ना ने भी धर्मेंद्र का कॉलर पकड़ लिया। दो दोस्तों को ऐसा लड़ता देख वहां मौजूद लोग भी हैरान हो गए। तो दोस्तों आपने जाना आखिर किस वजह से दोनों एक्टर्स के बीच लड़ाई हो गई थी। दोस्तों आपको इन दोनों की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आती है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं एक नए किस्से के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।